नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। यूपी में मिशन 2024 से पहले सभी दल अपने अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच यूपी की सियासत से खबर की चर्चा तेज है। बीजेपी के साथ छोटे चौधरी यानी आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जयंत चौधरी को लेकर बयान दिया और अब बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने छोटे चौधरी को बीजेपी में आने को लेकर ऑफर दे दिया है। 2024 से पहले सबसे बड़ी पार्टी की इस कवायद के मायने क्या है? जाटलैंड की जंग, छोटे चौधरी किसके संग, आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुब्रत पाठक का वो बयान आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि वो 2024 को लेकर बयान दे गए हैं और ये कहते हुए कि देखिए एक बार फिर से 2024 में जनता नरेंद्र मोदी को ही फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, जनता ने ये मन बना लिया है। इसीलिए छोटे चौधरी को लेकर उनका ये कहना था कि वो चाहे तो अच्छा होगा अगर बीजेपी के साथ आ जाए। आज जाट समाज जो है वो प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है। उन्होंने पहली बार देश प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था 2014 में, और बल्कि वो वोट ही नहीं दिया था, पूरे जाट समाज ने चुनाव लड़ाया था भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस समाज के इस प्रकार का समर्थन भाजपा के साथ हो, तो स्वाभाविक है अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं अगर नहीं संग हमारे साथ गठबंधन में आते हैं तो उनका समाज ही उनसे अलग रहेगा। और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। इस वक्त तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक पांडे जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ है, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है, रोहित अग्रवाल जी आरएलडी से इस वक्त हमारे साथ है। आप तीनों खास मेहमानों को बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रोहित जी आप ही का रुख करना चाहूंगी, सब कुछ ठीक चल रहा है ना समाजवादी पार्टी और आपके बीच, क्योंकि अब तो आपको ऑफर आने लगे हैं बीजेपी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जन विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में अपने मन की बात सुनाई और जनता के मन की बात नहीं सुनी, तो बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि जिस तरीके से आज भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना है उसको देख के भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिन दलों ने जमीन पे काम किया है, जिन्होंने जनता की सेवा करने का काम किया है, जिन्होंने जनता के बीच में रह के काम किया और जिनके साथ जनता का प्रेम है, वो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह पे अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ना जाने किस किस का प्रयोग करके दलों को तोड़ा, दलों को तोड़ के अपने साथ जोड़ा है, परंतु राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की पार्टी है और राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी तो चरण सिंह जी स्वयं अभी राष्ट्रीय लोकदल भी तो क्लियर नहीं कर रही है ना। इससे पहले अभी जब पटना में बैठक हुई तो वहां भी आप लोग नहीं पहुंचे थे, है ना। अब आपको और समाजवादी पार्टी को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना अंदर खाने। नहीं देखिए, हमने जो पटना में बैठक हुई थी उसमें हमने आपको साफ साफ बताया था कि माननीय जयंत चौधरी जी देश के बाहर थे अपने निजी पारिवारिक कार्यक्रम के कारण, और हमने पत्र लिख के उस बैठक का समर्थन किया था। नीतीश कुमार जी को हमने बधाई दी थी कि इस तरीके की आज विपक्षी एकता की जरूरत है, और जो अगली बैठक बैंगलोर में होने जा रही है उसमें माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। खड़गे जी का नियुक्ति आया है, हमें कांग्रेस की तरफ से हमें नियुक्ति आया है, और जो एक विपक्षी एकता की बैठक बैंगलोर में होने जा रही है उसमें माननीय जयंत चौधरी स्वयं जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा हम क्लियरिटी क्या बताएं। ठीक है, ठीक है अशोक जी आपसे छोटा सा रिएक्शन में जरूर चाहूंगी इस बात पर। अभी देखिए आपने सुना रोहित जी को, वो आप पर ये आरोप लगा देते हैं कि आप ना दलों को तोड़ते हैं, कार्रवाई का डर दिखाकर, ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है उसका डर दिखाकर आप पार्टीज को अपने साथ लेकर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्या पश्चिमी यूपी को लेकर इतनी टेंशन बढ़ गई है क्या कि आपकी पार्टी के नेता ऑफर दे रहे हैं आरएलडी को कि आप आ जाइए साथ? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में न कोई अस्थाई दुश्मन है न अस्थाई दोस्त। अजीत सिंह जी हम साथ रहे हैं कभी, और निश्चित तौर पे इधर जो चुनाव हुए जाट लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हम कोई आज जयंत चौधरी को ऑफर नहीं दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे इस मुल्क के अंदर जब बदलाव की प्रक्रिया है, इस मुल्क के अंदर जब देश बदल रहा है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन सर एक चीज मैं यहाँ पर जरूर गौर कराऊंगी आपको, उपचुनाव के नतीजे अभी हाल ही में जब 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था जिसमें खतौली भी थी, वहां आपने देखा कि मतलब क्या हालात बन गए, समझ रहे हैं आप। आरएलडी वो सीट बहुत आसानी से ले गए, शायद आपको इतनी उम्मीद भी नहीं थी।
वहां पर जिस तरह की चीजें हुई हैं, जरूरी नहीं है कि पश्चिमी यूपी के लिए ये यहां से एक नैरेटिव सेट हुआ कि वहां की जनता का इस वक्त मूड क्या है, क्योंकि जाट वोटर्स के लिए भी इस तरह की चीजें आती हैं कि नाराजगी तो है आपके लिए पश्चिमी यूपी में। पूरे लबोलुभाव था उसमें, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम से अच्छी सभ्यता, निश्चित तौर पर अच्छा उत्साहवर्धन मिला, तौर पर अच्छी सीटें आई, ये भी तो गौर करने की बात है। उपचुनाव की जहां तक बात है तो हम तो भाई हम आजमगढ़ जीते, हम रामपुर जीते, तो एक सीट हार गए कोई बात नहीं है, लेकिन अजीत सिंह जी की, जैन चौधरी की या अपने अखिलेश यादव का वहां कोई प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जाट समुदाय का, किसान समुदाय का आज भी विश्वास है और उनके साथ। ठीक है कपिल जी, आपने सुन लिया, 2024 में ज्यादा वक्त नहीं है, कॉन्फिडेंट पूरे नजर आ रहे हैं इस वक्त। अशोक जी कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, जनता वहां की हमारे साथ है, चाहे आप दोनों साथ लड़कर मिल लीजिए या फिर आप अकेले भी, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से है, आरएलडी का साथ नहीं मिलता तो उसके बाद भी बहुत इजीली सीट वहां से निकल जाएंगी। अगर इतनी ही इजीली सीट निकल रही है तो फिर वो तमाम तरीके से जो है वो दूर अभी नहीं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारा तो पुराना था, पहले लेना चाहिए कि आप लेकिन आपको कामयाबी हासिल नहीं हो, क्योंकि हम समाजवादी सोच छतरी से निकले हुए लोग, जैसे एक छतरी में कई तिलिया होती है, इससे समाजवादी पार्टी के तमाम अनुषांगिक हमारे समाजवादी सोच के लोग हैं, बोध हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, देश दो की जनता, जनता दल यू हो, तमाम चीजें पूरी चाहिए। सर आपकी आवाज थोड़ा ठीक से नहीं मिल पा रही है, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ कपीश जी। रोहित जी का एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। रोहित जी, इस तरह की बाहर खबरें हैं कि मतलब सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और आपकी पार्टी के बीच इस वक्त जद्दोजहद हो रही है, सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पा रहा और इसीलिए मनमुटाव की खबरें चल रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि बेवजह ये अफवाह फैल रही हो, सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि लग भी नहीं रहा इस वक्त। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों के प्रति समर्पित पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं एक अभियान चला के 1500 गांव में जाने का काम कर रहे हैं, समरसता अभियान चला रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि देश के अंदर एक समरसता पैदा हो, एक सामान्यता पैदा हो, और जो नफरत की खाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो खोदी गई है वो खाई कहीं ना कहीं पटे, और जो धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे देश का विघटन करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल निरंतर जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम करता है, और जो नीतीश कुमार जी द्वारा जो एक गठबंधन बनाया जा रहा है देश भर के विपक्षी दलों को जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से उसके लिए संकल्पित है। नहीं, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये जो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, इसको लेकर थोड़ा सा आप जरा पिक्चर क्लियर करिए ना। तो सीटों की कोई बात ही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं ये कहती है कि वो 24 घंटा 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, जबकि जनता ने उनको चुन के भेजा है अपनी सेवा करने के लिए, पर राष्ट्रीय लोकदल जनता की सेवा करती है 24 घंटा 365 दिन, और जब चुनाव करीब आएगा तब सीटों की बात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सीटों का कोई मतभेद ही नहीं है, यहाँ तो विचारधारा की बात है, यहाँ पे बात है जनता की सेवा की। देखिए, अगर हम सरकार में आएंगे, केंद्र में सरकार में आएंगे, वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कितनी सीटों पे अपने सिंबल पे लड़ते हैं, कितनी सीटों पे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अपने सिंबल पे लड़ती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी को, जन विरोधी पार्टी को जनता से उखाड़ फेंकने का काम करें और देश के अंदर एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। आज जो देश के अंदर बेरोजगारी है उसको दूर करें, जो महंगाई है उसको दूर करें, जो किसान परेशान है उसको MSP चाहिए, उसको आप MSP दे पाए। आप जनता के मुद्दों को आप अटेंड नहीं करना चाहते, आप खाली दूसरे दलों की तरफ देखते हो कि साहब दूसरे दलों की जो जमीन है उसको आप कहीं अपनी तरफ खींचना चाहते हो, तो ऐसे तो नहीं होता है। अगर आपको राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन करना है तो पहले आपको किसान को खुशहाल करना पड़ेगा। आप किसान विरोधी एक्टिविटी करते रहोगे।